हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। ऐसी नो मैं हूं हनी। आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बेदाग चेहरा कैसे पाना है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि बेदाग चेहरा पाने के लिए काफ़ी सारे रेमेडीज़ या काफ़ी सारे क्रीम्स मार्केट में आप ट्राई किए होंगे, लेकिन हर क्रीम हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं होती है, और थोड़े उसमें केमिकल रहता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स भी रहता है, और थोड़ा महंगे हैं, और थोड़ा बजट में भी आता है। लेकिन आज मैं आपको घर का चीज़ इस्तेमाल करके अपने चेहरे को बेदाग और गोरा कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ। अच्छे रिजल्ट के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप फॉलो करें, चेहरा हमेशा के लिए बेदाग और गोरे बन जाएगा, और त्वचा भी किली किली और स्मूथ दिखता है। ये नुस्खा हर स्किन टाइप को सूट होती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है। मैं भी काफ़ी सारे दिनों से इस नुस्खों को ट्राई कर रही हूँ, जब से मेरा चेहरा भी बहुत सॉफ्ट और इवन दिखने लगी है। आपके रिक्वेस्ट के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, सो अच्छे से के लिए आप एंड तक देखना, बिल्कुल ना भूलिए वीडियो को। और आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट करके मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना सकती हूँ, और वीडियो के अंदर मैं आपका नाम भी मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीन कटोरी लेना है। क्लीन कटोरी में हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है, क्योंकि एलोवेरा अपना स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग बढ़ता है, और इससे अपना स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा। अपने चेहरे को बेदाग करना है, बेदाग गोरा बनाना है, तो हर रोज़ चेहरे के ऊपर एलोवेरा को इस्तेमाल करने से चेहरा बेदाग होगा और गोरा भी हो जाएगा। ये अपना काल चेहरे के ऊपर काले निशान को दूर करते हैं, इससे स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और स्किन टोन भी बढ़ता है। इसके बाद इसमें ऐड करना है हम 1 चम्मच एलोवेरा जेल को 1 चम्मच शहद ऐड करना है, क्योंकि शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है, तो इसकी वजह से अपना स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, स्किन टोन भी बढ़ता है। तो एलोवेरा और हनी को दो चीज़ को इस तरह अच्छे से मिलाना है। ये पैक जो है स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है, स्किन को बेदाग कर देता है, क्योंकि हनी अपना स्किन के अंदर दाग धब्बे को, पिंपल का निशान को, काले निशान को दूर करती हैं। इससे पिंपल का दाग भी दूर होगा, चेहरे का दाग भी दूर होगा, चेहरा बेदाग हो जाएगा। तो इसलिए मैं हनी इस्तेमाल किया हूँ। और एलोवेरा जेल से अपना स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग होगा, और उसके इसमें काफ़ी सारे वाइटामिन्स रहता है। ये अपना स्किन के अंदर दाग को दूर करता है, यह एक एंटी एजिंग पैक जैसा काम करता है, जिससे स्किन का एजिंग भी दूर होगा और स्किन भी टाइटन और ब्राइटन बन जाता है। तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल ले चुकी हूँ। इस तरह ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना चाहिए। ये 100% नेचुरल है, इफेक्टिव भी है, इससे अपना स्किन टाइट होगा और स्किन के ऊपर दाग धब्बे, पिंपल, एक्ने भी दूर होता है। अब ये देख सकते हो, ये इस तरह तैयार हो गया है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने के पहले अपने चेहरे को सॉफ्टली वॉश करना चाहिए। इसको डेली 2 बार इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के पहले चेहरे को साफ रखना है, पर ऑल ओवर चेहरे के ऊपर ही अप्लाई करना है हाथों की मदद से। अप्लाई करके ये सूखने तक छोड़ना है। ये सूखने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करना है, क्योंकि ऐसा करने से स्किन अच्छे से साफ होगा। एलोवेरा से हनी की वजह से चेहरा टाइट, शहद ऐड किए थे, शहद की वजह से स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग होगा। वॉश करके पोंछना है, ऐसा करने से अपना स्किन टाइटन और ब्राइटनिंग होगा। ऐसा इसको डेली 2 बार करना है, सुबह और रात को। सुबह नहाने के पहले और रात को सोने के पहले इस पैक को अप्लाई करके चेहरा साफ करके अप्लाई करना है, सूखने के बाद छोड़ के वॉश करना है। ऐसा 2 बार करना है। ऐसे करने से स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, स्किन टोन भी बढ़ता है। अगर आप सुबह अप्लाई करने से ऐसा अप्लाई कीजिए, अगर रात को अप्लाई करना है तो आप इसमें 2 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नारियल के तेल अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये इसलिए मैं रात को अप्लाई करना है तो इसमें 2 ड्रॉप नारियल के तेल ऐड कीजिए, क्योंकि रात को अप्लाई करने के नारियल के तेल ऐड करने से स्पेशली चेहरे को मॉइस्चराइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोकोनट ऑयल स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करती है। तो इसलिए मैं नारियल के तेल ऐड कर चुकी हूँ। तो इस तरह सुबह है तो ऐसा, रात को है तो इस तरह अप्लाई करके छोड़ दीजिए। इसके बाद ड्राई होने के बाद वॉश करने से चेहरा अच्छी तरह मॉइस्चराइज होगा और रात भर पूरे इफेक्टिवली काम करता है चेहरे के ऊपर। तो इसलिए मैं ऐसा की थी। ये सुबह उठते ही अपना चेहरा जो है स्पॉटलेस ग्लोइंग बन जाएगा। तो ये टिप को आप फॉलो कीजिए, इससे स्किन अच्छी तरह टाइट होगा, स्किन ब्राइटन होगा, और उसका स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। 100% नेचुरल और इफेक्टिव नुस्खा है स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग बनाने का। इससे आप ट्राई कीजिए, 100% विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा।
सो ये है बेदाग चेहरे को पाने के लिए नुस्खा। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट पढ़ के उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।